वेलकम बैक टू चैनल इट्स विकास बाइस अटेक। सो गाइस इन दिस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आप बहुत सारे बैंक्स यूज करते हैं, सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, जिससे आपका बैलेंस यहाँ पे सेफ रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपको जॉब कैसे मिलेगी? यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बैंकिंग है जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन जॉब दे देते हैं, आपको यहाँ पे वहीं आपको काम करने के लिए रख लेते हैं। और जैसे आप ऑनलाइन बैंक को ओपन करते हैं, जैसे सेविंग बैंक के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं गूगल से, वेबसाइट से या फिर कंप्यूटर से, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी प्राइवेट बैंक में। कोई सरकारी बैंक नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, प्राइवेट बैंक के जहाँ पे अगर आप उसके लायक रहेंगे तो आपको ये बैंक वाले रख लेंगे, आपको नौकरी लग जाएगी और आप बड़े आराम से यूजिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप कैसे इसे चूज कर सकते हो और कौन सा बैंक आपको नौकरी दे रहा है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं कि आप जो भी ये बैंक्स हैं इसमें जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल ट्रिक है और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि सभी बैंक्स ये जो भी टिप्स है ये मतलब अपना ये वाला ऑप्शंस नहीं देते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बैंक के लिए। सभी बैंक नहीं देते, लेकिन कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको आपने साथ काम करने के लिए रख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, इसी तरह हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले चल के बताते हैं कि आप कैसे बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं कि आपको किसी बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए करना क्या। आपको सिंपली आपको गूगल्स में जाना है, यहाँ पे जाके सर्च करना है यस बैंक, जो कि एकलौता बैंक है जो आपको यहाँ पे अपने साथ वर्क करने के लिए अप्लाई करने के लिए देता है। और बहुत सारे बैंक्स हैं लेकिन ये इस समय हमारे जवान पे याद है इसलिए हम इस बैंक को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद सिंपली इसके वो ऑफिशियल वेबसाइट्स आ जाएगी तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप इसके होम में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ऑलरेडी यहाँ से सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन और आप बैंक भी पा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे आपको बताना है कि आप इसमें नौकरी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे वर्क विथ अस वाला ऑप्शंस मिल जाएगा जो कि यहाँ पे नौकरी वाला। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि पर्सनल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, जो कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपका इसमें बैंक है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्क विथ अस मतलब इसके साथ आप कैसे काम करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस बैंक के साथ काम करने के लिए, जो कि ये ऑप्शन इन लोगों ने अपने ऐप में दिया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ की इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाते हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, कौन सा असाइनमेंट चाहिए, सारी मतलब यहाँ पे जो भी कैटेगरी है सब कुछ यहाँ बता देते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ओपन जाते हैं, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट में अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे राइटिंग वाला है। आप जब टेस्ट दे देंगे उसके बाद पास हो जाएंगे तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप लोग अगर आप पास हो गए तो ये अपने बैंक में आपको रख लेंगे आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से और आपको नौकरी पर रख लेंगे। और जो तीसरा कंडीशन है वो है कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कैसे इस बैंक के लिए काम कर सकते हैं या फिर ग्रोइंग कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको तीसरे टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाता है। और चौथा जो है यहाँ पे आपको कुछ लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले ऑप्शंस बताए जाते हैं जिससे आप बैंक के लिए काम कर सकते हैं, लर्निंग करा सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट वाला जो कि बैंकिंग का होता है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसके बाद आप बड़े आराम से यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ मिल जाएगा, आप टेस्ट पास कर लेंगे तो आप इस बैंक के लिए नौकरी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स मिल जाते हैं जिस पे आप कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आप ऑनलाइन बैंक्स में जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ये बैंक्स के ऑप्शंस रहते हैं। मान लीजिए कोई बैंक्स जो भी है वो लोग गाइस ये ऑप्शंस अपने में डालते हैं, अगर उनको पसंद रहता है कि वो लोगों के साथ काम करें, लोगों को नौकरी पर रखें, तभी लोग वो ऑप्शंस डालते हैं। सभी बैंक में ये ऑप्शन नहीं है लेकिन कुछ बैंक है जिसमें ये ऑप्शंस है और आप बड़े आराम से वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी डॉक्यूमेंट रहेगी उससे रिलेटेड तो वो लोग आपको डेफिनेटली आपके नौकरी पर रख लेंगे और आपके उनके साथ जुड़ जाएंगे और उनके साथ आप काम करेंगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज ऑलवेज डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।